ब्रह्मलीन राम स्नेही विद्वान संत डॉक्टर रामस्वरूप जी शास्त्री की पावन स्मृति में रामद्वारा प्रांगण में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा में पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के संत अमृत राम महाराज की ओजस्वी वाणी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का वाचन किया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु उपस्थित रहे। ब्रह्मलीन राम स्नेही विद्वान संत डॉक्टर रामस्वरूप शास्त्री की पावन स्मृति में रामद्वारा प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा में पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के विद्वान संत अमृत राम महाराज की ओजस्वी वाणी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का वाचन किया जा रहा है। कथावाचक अमृत राम महाराज ने कहा कि मनुष्य को अपने जीवन में सत्संग करना आवश्यक है, जिससे हमारा अंतकरण भी शुद्ध होता है। कथा का वाचन करते हुए संत अमृत राम महाराज पुष्कर ने कहा कि प्रत्येक प्राणी यदि भागवत जी की कथा का एक चित्त होकर श्रवण करते हैं तो उन्हें भगवान का साक्षात दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। संत अमृत राम पुष्कर ने कहा कि भागवत जी का श्रवण करने से हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है। संत श्री अमृत राम पुष्कर ने कथा के तीसरे दिन शनिवार को प्रवचन में कहा कि मनुष्य जीवन में दुख होता है तो उसे दुख सुख भी आएगा, इसके लिए हमें भगवत नाम स्मरण करना पड़ेगा। कथा में संत श्री ने पीओजी मैंने राम रतन धन पायो भजन गाकर प्रभु के प्रति मीरा की भक्ति को चरितार्थ किया। से पूछा कि क्या करना चाहिए, क्या सजा देना चाहिए, तुम्हारी 5 बेटाओं को उसने मार दिया है, तो यदि कोई क्षमा करने वाला होता है तो वो गर्भ स्वर्ग बन जाता है, वैकुंठ बन जाता है। तो महाभारत कालीन ये द्रौपदी है, वो क्षमा की देवी है, पुत्र है जिनसे तुमने शिक्षा प्राप्त किया है। वर्षों के बाद में, जन्मों के बाद में अर्जुन जैसा कोई व्यक्ति आता है। कभी हम कथा में कहते थे कि हर द्वापरी युग में कृष्ण आते। व्यक्ति को अपने मन की शुद्धि के शिव को ही भगवान के नाम का जाप करेगा तो ही जीव का उसका उद्धार होगा। यदि किसी के कुपुत्र हो तो उस व्यक्ति को निसंतान रहना ही ठीक है, अन्यथा वह हमेशा दुखी रहेगा। राम स्नेही भक्त राजा राम सराफ ने बताया कि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान की कथा बुधवार तक प्रतिदिन दोपहर 1 से 5 बजे तक होगी। वहीं मंगलवार को रात्रि में मंगल बालाजी मंडल द्वारा सुंदरकांड का पाठ रात्रि में किया जाएगा और बुधवार की रात्रि को संत डॉक्टर रामस्वरूप शास्त्री की स्मृति में जागरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।